हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड 8 का हिस्ट्री लेसन नंबर 6 बिगनिंग ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट की वर्कबुक फिलअप करेंगे। वर्कबुक भरने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें 1, 2, 3, 4 चारों आंसर दिए गए हैं। इसके बाद का हमें दूसरा है क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड करेक्ट इट। इसके बाद राइट द नेम लिखना है, जिसमें भी चार क्वेश्चन है उसके भी आंसर दिए हैं। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 के 6 आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जो होगा कंप्लीट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और इसमें 1, 2 और 3 प्रेजेंटेशन है जो यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व करके दिए हुए हैं, आप अपनी वर्कबुक में भर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, जिसमें पहले और दूसरे का आंसर दिया है। पहला है मॉडरेट्स और दूसरा भी यहीं पे दिया है, जिसका आधा पार्ट हमारे अगले वाले सेक्शन में, जैसे यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है राइट शॉर्ट नोट, इसमें पहला और दूसरा आंसर दिया हुआ है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4-point प्रोग्राम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके भर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 दिया हुआ है। 4 है फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2nd है सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, 6 है होम रूल मूवमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीज़न। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे फिलअप करके दिए हुए हैं। इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस अ सेंस ऑफ आइडेंटिफाई वॉज अवेकेंड अमॉन द इंडियंस। इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड क्रूजन डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर यहाँ पे फिलअप किया हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जिसके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो जूम करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 words। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे फिलअप करके दिया हुआ है। इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ऑफ एन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ 4, 5 और हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर इन डिटेल, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जो हम अच्छे से देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द बैकग्राउंड बिहाइंड द स्टेप्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन है, जिसका पूरा का पूरा आंसर इस वाले सेक्शन में दिया है। और इसके लिए भी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो अपना आंसर। इसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वर्क ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, जिसके लिए भी आप वीडियो पॉज कर सकते हो और अपना वर्कबुक फिलअप कर सकते हो। वीडियो को और अच्छे से देखने के लिए आप इसको जूम भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, राइट मेजर्स वॉर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ सप्रेस द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। और इस आंसर के बाद हमारा नेक्स्ट आंसर जो आएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द पिक्चर। इसमें आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करना है एंड राइट अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल, जिसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, और इसका आधा पार्ट इधर दिया हुआ है और इतना आप लिखने के बाद में आधा पार्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं। और इसी के साथ ये लेसन हमारा ओवर होता है।